it does not end, keeps on going and on going. You wake up every morning and there's a new newspaper. I'm telling you, you're gonna to sleep today and when you'll wake up in the next morning, you're gonna find another newspaper. This is not going to end. The only way to do it is to do it every day. newspapers In the history of the humanity of the UPSC preparation, that has never happened. Now, आप कल मैं आपको एक वादा करता हूं आप कल सो सो आज रात को सो जाइए और सुबह उठ के देखिएगा देखेगा दिसगोन न्यू न्यूज पेपर पूरा का पूरा ऐसा 20-25 पन्ने का और एक पन्ना जो न्यूज़पेपर का होता है चार ए फोर साइज के बराबर होता है अस्सी ए फोर साइज के पन्ने रोज सुबह आ जाएंगे यू को स्लीप टुमारो आप सुबह उठेगा दरगोनबी नेक्स्ट न्यूज पेपर इट्स सिंपली आई 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 नो आई हैव पर्सनली इट हैज बीन लास्ट फिफ्टीन ईयर इट हैज नेवर एंडेड

ये करंट अफेयर्स पता है इनको समय की चिंता नहीं होती है आज जो मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा वो 200 करोड़ साल पुराना है व्हाट लुक एट इट बेसिकली हम जब भी न्यूज़पेपर और अपना सिलेबस याद करके रखिएगा देखिए सिलेबस अपना याद करके रखिए सारा, कर सारा. पुरा -पुरा का सारा पूरा का पूरा मेन्स का सिलेबस याद करके रखिए पूरा का पूरा प्रिलिम्स का सिलेबस याद करके रखिए एक तो पहली मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं फिर दोबारा से कि सबसे पहले प्रिलिम्स का पूरा सिलेबस याद करो और मेंस का पहले सिलेबस याद करो मतलब न्यूजपेपर पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ये तभी पढ़ने का फायदा जब ये दोनों चीजें मालूम हो इसके बाद ये फर्स्ट दिस इज फर्स्ट स्टेप सिलेबस याद करना दूसरा पिछले साल के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और मेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन्स के पीवा क्यूज पिछले पांच साल के याद होने चाहिए और पिछले दस साल के एटलीस्ट देखे हुए होने चाहिए जब ये एक्सरसाइज पूरी होगी उसी के बाद बेसिकली करंट अफेयर्स समझ में आने स्टार्ट होंगे या फिर इस बात पर पता चलेगा कि कौन से करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है अब मैं नई बात बताता हूं कि हमारे जनरल स्टडीज का जो पेपर वन है जो कि मैं पहले बता रहा हूं उसमें एक टॉपिक है क्या है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिनाज एनहेंस जब भी आप कोई न्यूज पढ़ें जो कि जियो फिजिकल से रिलेटेड है आपके सडनली थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा हो जानी चाहिए अब एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर जियो साइंस अब आपको वो जर्नल पढ़ने की जरूरत नहीं है लेट मी जर्नल उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है, कहा कि में जो है मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं मी टेल यू समथिंग जो शायद आपको नहीं पता है परंतु हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइक्साइड राइट सरप्राइज आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्चुअली ट्रू वी आर एक्चुअली ब्रीदिंग अगर हम अपने पूरे के पूरे एटमोसफेयर से ऑक्सीजन गायब कर दें वी आर ऑल गोइंग टू डाय आई नो नाव ले अर्थ में अर्थ के एटमोसफेर में हमेशा से ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ की एज पता है आपको बाई चांस दिस अप्रॉक्सिमेटली फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयरस

जो स्टडी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि अर्थ में बेसिकली स्टडी में कैसे हुआ जो अर्थ का जो अर्ली एटमोसफेयर था उसमें स्पेसिफिकली कार्बन कार्बन भरा हुआ था ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड था मीथेन था वाटर वेपर थे दैट मतलब कि हम अगर वहां पर चले जाए तो जिंदा नहीं रह सकते इफ यू डू इन्वेंट अ टाइम मशीन वन डे जस्ट डू नॉट गो फोर करोड़ ईयर्स अगो जाना है तो बेसिकली डायनासोर तक के टाइम पे चले जाना ठीक है उसके पीछे जाने का को कोई खास फायदा नहीं है जस्ट टिल गो टिल जोरासिक पार्क अब सुनिए बात आज के अगर हम एटमॉस्फेयर माने तो हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली 78 नाइट्रोजन है और 21 से भी अधिक ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम सारे के सारे के जिंदा रहते है हैं ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर से फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स लाइफ सेम 4.5 बिलियन सालों में से पहले जो 200 करोड़ साल है वो गायब थी मतलब कि देर वॉज नो ऑक्सीजन इन दी अर्थ एटमोस्फेयर फॉर दर्स्ट टू हंड्रेड करोड़ इयर्स ऑफ ईयर लाइफ वाव अब स्पेसिफिकली क्या है सनलाइट ने वाटर वेपर को स्प्लिट किया होता क्या था वाटर वेपर सारे सारे थे क्या करती थी इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन परंतु ऑक्सीजन इमीजिए मीथेन के साथ रिएक्ट करता था एंड इट यूज टू गेट लॉग इन टू दी अर्थ क्रस्ट बेयरली लिविंग एनी ट्रेसिस इन दटमोस्फेयर सो पहले दो करोड़ साल पहले टू बिलियन ईयर तक

की सबसे बड़ी क्वालिटी थी फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये सनलाइट को यूज़ करके साइनोबैक्टीरिया वर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट अ फास्टर रेट देन इट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड मिनरल्स में ट्रैप हो जाना सो so 200 करोड़ साल तक अर्थ का ऑक्सीजन अगर क्रिएट भी होता था तो वो किसी दूसरे मिनरल के साथ मीथेन के साथ रिएक्ट करके रॉक्स में फंस जाता था ट्रैप हो जाता था बट साइनोबैक्टीरिया जब दो करोड़ साल पहले बना हमारे क्या नाम है इसकी जीव जीवन की उत्पत्ति हुई बेसिकली अर्थ पे तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगा और ऑक्सीजन इतनी ज्यादा क्रिएट होने लगी कि अब धीरे 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 पूरी स्लोली 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 अर्थ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाने लगी ग्रेजुअली ऑक्सीजन का अमाउंट घटा

एजेस है ना जोग्रफी के पहले चैप्टर में पढ़ा था पहले मैं आपको ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का एक बार लॉजिक दे देता हूं देखो ये अर्थ का सपोज कीजिए कि 3.58, 3.8 बिलियन ईयर्स ये ऑक्सीजन की मात्रा है अब ओ टू बिल्डअप इन अर्थ एटमोस्फेयर रेड और ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट दी रेंज ऑफ एस्टिमेट्स वाइल टाइम इज मेजर बिलियन ऑफ इन सो so, ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन को ही डिफाइन कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिस्ट के द्वारा है बेसिकली द होल पर्पस इज द सेम अलग अलग एस्टिमेट के बेसिस पे है कि पुराने समय में कितनी ऑक्सीजन रही होगी एटमोस्फेयर में सो so, आप 3.8 से लेके ये अगर यहां तक हम देखें तो दोनों के दोनों मतलब बेसिकली अर्थ में एटमोसफेयर जो है सॉरी oh, एटमोस्फेयर oh, में ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है नाउ दिस इज समवेयर जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन इवेंट सॉरी माय बैड दिस इज ऑक्सीडेशन इवेंट और यहां से ऑक्सीजन की मात्रा अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है राइट एट वन पर्टिकुलर टाइम आज के समय में जो है उससे भी ज्यादा थे पहले वाली स्टेज के बारे में बात करें 3.85 से 2.45 uh, तक की ये 2.45 तक की ये वाली जो फर्स्ट स्टेज है ठीक है प्रैक्टिकली पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी स्टेज थ्री की बात करें 1.8 ऑक्सीजन बन रही है ऑक्सीजन में होता था तो पहले जब ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हुई तो वो जनरली ओशियंस के अंदर ही रहती थी एंड देन फ्रॉम हियर ऑन दिस स्टेज थर्ड स्टेज में ओ टू स्टार्स टू गैस आउट ऑफ बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है तो ज्यादा कलर कर दिया मैंने ये सारी की सारी स्टेज जो है जिसमें ऑक्सीजन है एंड दिस इज वेयर एक्चुअली टू स्टार्ट गोइंग एंड इन द लास्ट स्टेज टू रिजर्वयर फील्ड गैस अक्यूमुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर और यहाँ पे गैस जो है uh, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में अक्यूमलेट होने लग जाती है ये पहली ओरिजिनल थ्योरी है कि अर्थ में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे आई वैल ऐसे आई कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं थी साइनो बैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड समथिंग विच इज कॉल्ड एज दी ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट वो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जो अर्थ का एटमोस्फेयर का कॉम्पोजिशन है वो बदलता रहता है मीथेन को रिप्लेस कर लेती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब आती है तो जीवन सेट हो जाता है अब साथ ही साथ इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा जे, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को नापने के लिए जियोजिस्ट अलग-अलग वर्ड्स यूज करते हैं इऑन इपोक एजेस एक बार इनके बेसिस इनके बारे में स्पेसिफिकली कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबसे पहले इऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सबसे बड़ा टाइम स्केल है उसको इऑन कहा जाता है और पूरे के पूरे अर्थ की एज को टोटल चार इऑनस में बांटा गया है ठीक है सबसे पहला हेडियन आर्कियन प्रोटोरे प्रोटोोजोइक और फेनेरोजोइक इसका मतलब क्या होता है देखिए ये 4.5 यानी कि साढ़े चार सौ करोड़ से लेकर चार सौ करोड़ साल तक ये जो पहले 500 करोड़ साल थे इसको हेडियन इोन कहते हैं हेडियन एक गॉड ऑफ हेल बेसिकली नरक का राजा है हेडियन ग्रीक मिथोलॉजी में ठीक है तो इस समय और नरक का आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जब भी आप नरक के बारे में सुनते हैं हेल के बारे में सुनते क्रिश्चियन हेल के बारे में सुनते हैं तो वहां पे आग लगी हुई है वहां पे लोगों को पनिशमेंट दी जा रही आग में जला जला के सो दिस वॉज दि टाइम जहां पर अर्थ बेसिकली एक प्योर लावा मैगमा की बॉल थी ठीक है इसलिए उसको हेडियन योन कहा जाता है उसके बाद चार करोड़ से लेकर ढाई सौ धा� करोड़ तक यानी कि फोर बिलियन से टू बिलियन ईयर तक उसको कहते हैं आर्कियन ईयोन

जोग्राफिकल टाइम जो है वो और भी कई चीजों में डिवाइडेड है एक ईयोन बड़े सारे से एरा में डिवाइडेड होता है एक एरा बड़े सारे से पीरियड में डिवाइडेड होता है और उसके अलग अलग पर्टिकुलर टाइमलाइन। मतलब देर इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन टू इट

अर्लियर एंशियंट लाइफ मीजोलैन की मिडल लाइफ और सीनियर जो एक मतलब की जो इस समय की नई न्यू नई नई स्पीसीज जो है जो नई लाइफ है फिर यह पीरियड में डिवाइडेड है हर एक पीरियड का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्सट है जैसे कि ये कार्बोनी फेरस है कार्बोनी फेरस वो एरिया है वो टाइम है सॉरी एरिया नहीं वो टाइम है जहां पर बेसिकली कोल बनता है जिस समय में तो हमारा जितना भी जो प्राइम ज्यादातर जो कोल है कोयला हम जो निकालते हैं वो इसी पीरियड से टाइम पीरियड में बना था ये सारी की सारी चीजें पढ़ लीजिएगा आज का हमारा जो फोकस है वो है आर्कियन ईन राइट right? इससे पहले आर्कियन इन और हेडियन इोन में बेसिकली कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी बट ये आर्कियन ईयोन के एंड पे क्योंकि आर्कियन ईन अगर हमने यहां पे टाइम देखा हो तो अप्रॉक्सिमेटली 2.5 बिलियन ईयर पहले आर्कियन ईन खत्म हो जाता है और ये खत्म क्यों होता है क्योंकि अब एटमोसफियर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है द लाइफ हैज स्टार्टिंग टू बेगन दी पॉसिबल नाउ दिस वॉज दी अर्लियर स्टडी अब हम बात करते हैं नए वाली स्टडी की नई वाली स्टडी ये कहती है कि प्लेट टेक्टोनिक्स और सबडक्शन से अर्थ के अंदर एटमोस्फेयर के अंदर सॉरी एटमोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हुई थी प्लेट टेक्टोनिक्स एंड सबडक्शन आर रिस्पांसिबल फॉर दी अर्थ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन सो द क्वेश्चन इमेजिन की क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एक तो ये है कि अर्लियर थ्योरी है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप सिंपल बता देंगे कि आज से 250 करोड़ साल पहले या फिर 2. फाइव फाइव बिलियन ईयर्स पहले एक इवेंट हुआ था जिसको कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन इवेंट जिसमें बेसिकली अर्थ के एटमोसफेयर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई थी ये वाली बात है अब दोबारा से पूछा जाएगा कि न्यू थियोरी हैज प्रपोज वट राइट right? क्या प्रपोज किया है तो नई थ्योरी ने प्रपोज किया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स और सबडक्शन से भी अर्थ में एटमॉस्फेयर रिलीज होने की जरूरत ए, की तरीका है प्लेट टेक्टोनिक्स में ओशियन क्रस्ट सिंग्स इनटू अर्थ मेंटल एट पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड कॉल्ड सबडक्शन जो आपने जाना हो आप शायद थोड़ी सी अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है अर्थ का जो ऊपर का जो क्रस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है राइट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के प्लेट्स के ऊपर डिवाइडेड हैं जो कि मूव करते रहते हैं ओवर अचारो uh, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ लार्ज जियोलॉजिकल स्केल ऑफ टाइम एक गिवन टाइम में सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट थे एक ही जगह पे थे और एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना रखा था इन्होंने पैंजिया नाम का और फिर ये धीरे धीरे मूव करते हैं और ये फिर मतलब कि आज से कुछ सालों आज से ढाई मिलियन ईयर्स के बाद ये दोबारा पच्चीस करोड़ साल के बाद ये दोबारा से टकरा भी जाएंगे एक दूसरे से मतलब दिस इज हाउ इट गोज

तो जो सेडिमेंट्स हैं, जिनमें ऑक्सीडाइजेशन हो रखी है बेसिकली और स्पेसिफिकली जो पानी है समुद्र के जो नीचे का पानी होता है वो अर्थ के मेंटल में घुस जाता है गेट दी बेसिक आइडिया द प्रोसेस ऑक्सीडाइज मैगमा मैग्मा विद हाई ऑक्सीजन एंड वाटर कंटेंट्स अब ये बहुत बड़े से जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो नीचे जो लावा या जो मैग्मा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सो दैट ऑक्सीजन गेट्स इन टू अब ऑक्सीजन फ्रॉम दीज ऑक्सीडाइज मैग्मा वॉज अल्टीमेटली रिलीज इन टू एटमोसफेयर ड्यूरिंग इन बहुत सिमिलर बेसिक सी सिस्टम है ठीक है जो समुद्र की जो प्लेट्स होती हैं, वो अर्थ के मेंटल में, में सबूस करती हैं सबडक्शन उस, उस प्रोसेस का नाम है सबडक्शन अब कहने का अर्थ यह है कि अर्थ जो जो, जो, जो क्या नाम है ओशियन की जो प्लेट्स हैं उसमें ऑक्सीडाइज मिनरल होते हैं व्हेन दिस प्रोसेस हैपन्स तो वो ऑक्सीडाइज मिनरल्स और जो पानी होता है समुद्र का उसको बेसिकली अर्थ के मेंटल में एंट्री मिल जाती है जिसकी वजह से

आर्कियन है अगले 150 करोड़ साल अब आज से पहले जियोलॉजिस्ट मानते थे कि ये जो आर्कियन टाइम है इसमें ऑक्सीडाइज्ड मैग्मा मागम, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो जो ये जर्नल की जो स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं इन्होंने नाम बड़ा मुश्किल है लेकिन ध्यान से दे दीजिए अभीती वावा सब प्रोविंस ऑफ द सुपीरियर प्रोविंस ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक नीचे का कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसका नाम है अबीतीबी बाबा यूएसए में है जरूरी नहीं है यूएसए और कनाडा में है, विनीपैग क्यूबैक क्यूबैक कनाडा का जगह है बेसिकली जो है यूएसए की जगह है तो उससे वहां पर एविडेंस निकाला है कि आर्कियन यानी कि आज से

है टू पॉइंट फोर बिलियन ईयर पहले ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की मात्रा एटमोसफेयर में पैदा होना ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है दे आर इससे पहले ही ऑक्सीडाइज मैग्मा एग्जिस्ट करता था वी हैव एविडेंस कि ऑक्सीडाइज मैग्मा इससे पहले एग्जिस्ट करता था एंड हेंस एनहेंस ऑक्सीडाइज मैगमा वॉल्केरेप्शन से डेफिनेटली एटमोसफेयर में यूज किया गया होगा एंड हेंस द आइडिया इज दैट कि देर इज नो सो दिस मीन्स शन बीन वाइटल अनफोर्सिन फैक्टर इन देशन ऑफ द अर्थ हमें यह बात जाननी जरूरी है कि अर्थ पर ऑक्सीजन कब आई आज तक की थ्योरी थी एक ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की इन रिसर्चर्स ने यह प्रूव किया है कि ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट से पहले आर्कियन इन का जो मैग्मा है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी इसका मतलब कि ग्रेट ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन इवेंट से पहले भी अर्थ पर ऑक्सीजन थी एंड इट मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द द ऑक्सीजनेशन ऑफ अर्थ ये थ्योरी है यार मतलब थी तो दो लाइन की थ्योरी लेकिन थोड़ा सा इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जोग्रफी के टॉपिक है ज्योग्रफी में थोड़ा समय लगता है मुद्दों पर बात सिंपल सी है एज फार एज वी नो द अर्थ इज दी ओनली प्लेस इन दी सोलर सिस्टम पास्ट और प्रेजेंट दैट विद प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्टिव सबडक्शन भाई अर्थ की स्पेशलिटी देखो सिर्फ अर्थ है जिसके ऊपर पानी है मतलब होगा कहीं और हमें तो अभी तक तो नहीं पता अर्थ ही है जिसके ऊपर ऑक्सीजन है मतलब होगी कहीं और

समेंट हो जाए तो तो उतनी रहेगी अगले सौ साल तक तो कहीं से लाइफ मिलने वाली नहीं है सो बी हैप्पी विद यू हैव गॉट जस्ट रिवाइज द जियोलॉजिकल टाइम फ्रेमस अगेन ठीक है तो लाइफ? जो जियोलॉजी है जोग्राफी है वो अलग अलग

एपॉक दे दिया और उसके बाद पीरियड दे दिया और उसके बाद एरा दे दिया एरा पहले दे, दे देंगे चलो किसी भी तरीके से दे दिया दे दिया एंड नाउ दे विल आस्क यू की इसको क्रोनोलॉजिकली साइज uh, के हिसाब से वन टू थ्री फोर फोर टू थ्री फोर से अरेंज कीजिए राइट कुछ याद कर लीजिएगा आज का दिन तो हमारा था ए का आने वाले समय में अगर कोई टॉपिक आएगा तो मैं आपको एरा पीरियड और एपोक के बारे में बताऊंगा फॉर नाउ आई थिंक आपको ये बेसिकली पूरा का पूरा समझ लेना चाहिए चलिए चलिए थोड़ा साइट टॉपिक आ गया बिकॉज दिस वॉज है ऑक्सीजन एंड स्टफ लाइफ एंड स्ट दो ढाई सौ करोड़ साल पहले की बात हमें दो साल पुरानी बात याद नहीं रहती है और जियोलॉजिस्ट है ढाई सौ करोड़ साल पुरानी बातें कर रहे हैं वट हैपन टू एंड ईयर से गो डिड यू नो दैट इट वॉज क्वाइट पेनफुली वॉक डे द्वेशन देट है फ्रेमवर्क फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नया लॉन्च किया है अभी जो एग्जिस्ट करता है अगेन उसको देखेंगे फिर इनका बेसिकली नए वाला देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कौन सा फोर टीयर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ठीक है इसका सिंपल सा सरल सा तरीका क्या है कि चार स्लैब बनाए गए हैं कि भाई ये

कोऑपरेटिव बैंक को दो चीजें रेगुलेट करती हैं एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एन विश्वनाथन एन एस विश्वनाथन नाम से कमेटी बनाई थी डेप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2021 में कमेटी बनी थी एनएस विश्वनाथन कमेटी ऑन दी इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। बेसिक आइडिया उनके ही सजेशंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उन्होंने कमिटी में क्वेश्चन आ सकता है बात ध्यान रखिएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो सॉरी uh, कोऑपरेटिव्स जो है वो अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाए गए हैं राइट एक uh, अभी अभी जो सबसे 2012 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल uh, अमेंडमेंट की थी उसमें कोऑपरेटिव्स को फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड किया गया था सो so, ये जो क्वेश्चन है ये सुनने में बड़ा ड्राई uh, लगता है सुनने में बड़ा बोरिंग लगता है बट इट माइट एक्चुअली कम इन योर मीनस तो ध्यान से सुनिए कि एन एस विश्वनाथन कमेटी जो है

और इसको बदल के इन्होंने बदल के चार टीयर कर दिया गया है दे हैविन कैटेगराइज इन टू फोर टीयर फॉर रेगुलेटरी पर्पज मतलब कि टीयर वन वो सारे के सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास सौ करोड़ से भी अधिक का डिपॉजिट है फिर टीयर टू जिनके पास सौ से हजार करोड़ तक का डिपॉजिट है फिर टीयर थ्री जिनके पास हजार करोड़ से दस हजार करोड़ का है और फिर यूएसबी विद डिपॉजिट मोर देन टेन थाउजेंड करोड़ स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिकली वाली बात की गई है नेटवर्थ रिक्वायरमेंट मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रूपीज टू करोड़ फॉर टीयर वन यूसीबी ऑपरेटिंग इन सिंगल डिस्ट्रिक्ट फाइव करोड़ फॉर ऑल अदर हैज बीन स्टिक्युलेटेड सिंपल वाली बात है कि जो सबसे छोटे हैं इनके पास कम से कम दो करोड़ रुपए होने चाहिए किसी भी प्रकार का कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट करने से सो दिस इज ओनली रेगुलेशन विच यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ और इसके साथ साथ सी आर ए आर रिक्वायरमेंट आरबीआई ने मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो भी रिक्वायरमेंट की है टू स्ट्रेंथन दियर कैपिटल स्ट्रक्चर यहां पे पहले एक बार इसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूं देखो सी आर ए आर को सी ए आर भी कहते हैं कैपिटल एडिक्यूएसी रेशियो भी कहते हैं या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो सी आर ए आर भी कहते हैं तो यूपीएससी आपसे पूछेगा तो ये दोनों शब्दों को प्रयोग करेगा कैपिटल एडिकुएसी रेशियो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई पूरा टोटल इसके पास कितना पैसा है ठीक है पूरा टोटल कितना पैसा है कैपिटल हाउ मच द मनी द बैंक हैज टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो रिस्क वेटेड मतलब कि परसेंटेज पे कि कैपिटल से रिस्क की क्या परसेंटेज है एसेट रेशो तो अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने हैं तो उस बैंक की पूरी कैपिटल और उसने रिस्क पे कितना पैसा दे रखा है इसका जो रेशियो निकलेगा उसको बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू इट्स रिस्क मतलब अब इसको कुछ भी नाम से लगा दिए कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कुछ भी कर दीजिए सिंपल सरल बात यह है रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इस रिस्क वेटेड एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज मतलब कि अगर बैंक के पास एक एग्जांपल देता हूं देखो बैंक के पास सपोज करो सौ करोड़ रुपए हैं ठीक है अब जो लोन होता है जो लाइबिलिटी होती है जो बैंक ने लोन दिया तो वो पैसा रिस्क पे चला गया रिस्क पे चला गया किसी ने देने से मना कर दिया तो भाई वो पैसा डूब जाएगा बैंक आदमी ने तो ले लिया उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगा दी अगर वो पैसा खराब तो so, हो गया तो खराब हो जाएगा सो कैपिटल उसकी सौ करोड़ की और इस प्रकार से हम देखेंगे कि तो लेट से पंद्रह करोड़ हाइपोथेटिकली मान लेते पंद्रह करोड़ के करीब पंद्रह करोड़ दिस विल बिकम दैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ बैंक मतलब कि बैंक ने टोटल कैपिटल पर कितना रिस्क उठाया हुआ इसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सरल है जितना ज्यादा कम उतना बड़ा अच्छा बैंक क्योंकि भाई अगर सपोज कीजिए कि, कि कोई ऐसा बैंक है जिसने पचास जिसका पचास परसेंट का आया ये तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा का पूरा डूबेगा तो यानी इस बैंक में जिसने भी डिपॉजिट ले रखा है अपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं उनके पूरे के पूरे पैसे डूबने की संभावना अब एक बैंक है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ छह परसेंट का सी है यानी उसके पास हैं सौ करोड़ रुपए लेकिन उसका नुकसान या रिस्क होने का जो कैपेसिटी है लूज होने की जो रिस्क है वो सिर्फ छह परसेंट है सिर्फ छह करोड़ तो चौरानवे करोड़ रुपए बच गए तो वो डिपॉजिटर्स की मनी है तो सीए जितना ज्यादा कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश के जितने भी बैंक है उनका सी डिसाइड करता है कि भाई इतने सीएआर से ज्यादा लोन नहीं दोगे कैपिटल एडुकेशी रेशियो मतलब कि आपके पास कैपिटल जितनी है उसके प्रपोर्शन में ही लोन या रिस्क

तो अगर आप इंग्लैंड जाके पैसा कमाएं और वो पैसा मम्मी पापा को घर पे भेज दे तो ये क्या हो गया रेमिटेंस हो गया इंडिया विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस लेने वाला मतलब पाने वाला कंट्री है मतलब कि यह देखिए 2020 का डेटा दिखाता हूं और आज हम क्यों कर रहे हैं वो भी बताता हूं दो में इंडिया को एट्टी बिलियन डॉलर रेमिट हुए थे यानी हमारे देश से लोग बाहर गए यू में गए यूके गए यूरोप गए मिडल ईस्ट में गए उन्होंने वहाँ से पैसा कमाया और वो पैसा उन लोगों ने अपने देश में भेज दिया घर वालों को भेज दिया परिवार वालों को भेज दिया इन्वेस्टमेंट के लिए भेज दिया ये सारे के सारे होते हैं रेमिटेंसिस एंड वी आर दी टॉप वी आर द नंबर वन रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री ये 2020 की बात बता रहा हूं 2020 में 83 बिलियन डॉलर था आज बेसिकली 100 बिलियन डॉलर हो गया है 2022 में रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर मतलब वैसे हमारे देश की जीडीपी का तीन प्रतिशत है ठीक है हमारी देश की जीडीपी का थ्री परसेंट है बट इट इज स्टिल लॉट बिकॉज दिस मनी इज सी फायदा देखिए कोई आदमी कैनेडा में पैसे कमा रहा है या, या यूएसए में पैसे कमा रहा है ओके okay? वहां पर उन्होंने एक लाख डॉलर कमाए एक लाख डॉलर कितने होते हैं अस्सी लाख रुपए उन्होंने कमाए और वो अस्सी लाख रुपए जो कि कमाए वहां पर गए हैं उन्होंने चालीस लाख रुपए यहां भेज दिए इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिल गया इंडिया को पैसा मिला डॉलर वाला सो so, तो के पास जो ये रेमिटेंस होती है ये बेसिकली फॉरन एक्सचेंज कमाने का बड़ा बढ़िया तरीका होता है एंड दिस मनी एक्चुअली कम्स फ्रॉम दी आउटसाइड तो जितने ज्यादा रेमिटेंसिस होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा इंडिया को मतलब दिस इज अ गुड न्यूज वी आर टेलिंग अ गुड न्यूज टू यू इसके बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडियाज रेमिटेंस विल इंक्रीज टू ट्वेल्व परसेंट फ्रॉम सेवन पॉइंट फाइव परसेंट पिछले दो हज़ार बीस में एट्टी थ्री था दो हजार इक्कीस में एट्टी नाइन था और इस साल भाई सौ बिलियन डॉलर क्रॉस कर दीजिए इसका रीज़न यही है हमारे बड़े सारे से जो इंडियन माइग्रेंट हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स यूके और ईस्ट एशिया में बड़ी बड़ी महंगी महंगी सैलरीज मिल रही है सब आईआईटी एमबीए टी एम करके मतलब आईआईटी आईएम से जाते हैं वहाँ पे ये देखो सत्य नडेला और सुंदर पिच्चाई तो मुझे नहीं लग रहा कुछ भेज रहे हैं आई थिंक सत्य नडेला तो भेजता ही होगा उसके उसके मम्मी पापा तो अभी यहाँ पे इंडिया में ही रह रहे हैं डोंट नो अबाउट द सुंदर पिचाई बट वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली सेंडिंग द नाउ हिस्टोरिक माइल स्टोन है नो डाउट्स इंडिया की सिर्फ जी uh, का तीन प्रतिशत है बट देन अ ऑफ परसेंटेज राइट अगर आपको कोई एक लाख रुपए हजार रुपए का uh, मतलब इंटरेस्ट दे दे विदाउट एनीथिंग Of money by a उनको सपोर्ट करने के लिए इसका फायदा है? देखो सबसे पहले सबसे पहले तो रेमिटेंस जो रिसीव होती है यह फॉरन करेंसी हो जाती है इंडिया को फायदा होता है जब भी कोई रेमिटेंस आ जाती है इंडिया बेसिकली गेट्स करेंसी इन दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म खत्म हो जाता है रेमिटेंस मेकअप ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन रूरल पार्ट ऑफ अ कंट्री टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ आइडियोलॉजिकल इशू हो गए और कंज्यूमर स्पेंडिंग ये सौ बिलियन डॉलर कमाए बाहर के देशों में है भारत से अगर चाहेंगे तो वहां पे भी खर्च हो सकता है लेकिन उनकी इकोनमी को फायदा बट नाउ दिस हंड्रेड बिलियन डॉलर अर्न समवेर एल्स इज गोना बी स्पेंट इन द इंडियन इकोनॉमी इंडिया का फायदा ही फायदा बेनिफिट इंडिया का रेमिटेंस यूएस से बेसिकली सबसे ज्यादा पैसा जो भारत में आ रहा है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहा है टू इंडिया फॉलोड बाई गल्फ कंट्रीज महाराष्ट्र ने इस समय इंडिया का मतलब महाराष्ट्र के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिट कर रहे हैं गुड माइ स्ट्रॉन बेसिकली टिल द टाइम इंडिया इज गेटिंग मनी वेदर इन डॉलर और वेदर इन यूरोज और वेदर इन पाउंड गुड फॉर एस वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है कि जो साउथ एशिया है उसका जो रेमिटेंस का फ्लो है वो बढ़ता रहेगा इस समय साउथ एशिया के जो ज्यादातर लोग हैं जो देखो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो उनको स्किल्स स्किल uh, uh, लोगों की जरूरत पड़ती है एंड मोस्ट मोस्ट ऑफ दैट स्किल्ड इज कमिंग फ्रॉम दी साउथ एशिया सम ऑफ देम इज कमिंग फ्रॉम दी चाइना ऑल्सो राइट तो साउथ एशिया के जो लोग हैं वो माइग्रेट होते हैं ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में दे अर्न दी मनी एंड देन दे सेंड इट बैक होम स्ट्रांग परफॉर्मेंसिस है इंडिया और नेपाल में बेसिकली दैट इज द आइडिया नथिंग स्पेशल अबाउट इट राइट ग्रेट आ, ये कोई समझने वाली बात है नहीं ज़्यादा चलिए आइए बात करते हैं डिजी यात्रा के बारे में डिजिटल यात्रा अगर आपको यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी ये जो नॉर्मल हार्ड कॉपी आपको जो क्या कहते हैं बोर्डिंग पास और एक्स्ट्रा देना है इसके लिए कोई जरूरत नहीं है यूनियन गवर्नमेंट ने पेपरलेस एंट्री स्टार्ट की है एयरपोर्ट्स पे सारे एयरपोर्ट्स पे नहीं हुई है कल ये मैं सोच कि कल किसी एयरपोर्ट पे जाओ और बोलो कि मैं तो अपना बोर्डिंग पास लेकर ही नहीं आया हूँ मुझे तो कागज की जरूरत ही नहीं है अब तो मैं डिजिटल यात्रा कर, करता हूँ नहीं नहीं कुछ एयरपोर्ट्स पे है धीरे धीरे ये सिस्टम पहले ट्राई किया जाएगा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सारे के सारे एयरपोर्ट्स पर लगा दिया जाएगा नाउ लिसन टू वी दिस इज सो कूल ओके दिस इज वेरी वेरी कूल बेसिकली डिजिटल यात्रा कहने का मतलब है कि आप एयरपोर्ट में घुसेंगे आपको कुछ भी पेपर पेन नहीं दिखाना है सिर्फ और सिर्फ आपका फेस जो है वो बायोमेट्रिकली स्कैन होगा दिल नो कि बेसिकली आप यू आर पर्सन जो कि आज फ्लाइट की टिकट लेने आए हैं एंड यू विल गो इनसाइड टेक्नोलॉजिकली फ्यूचरिस्टिक इवेंट होने वाले हैं ये डीजी यात्रा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है दैट विल यूज फेशियल रेकोग्जेशन टू फैसिलिटेट एंट्री इन एयरपोर्ट मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग 1984 नाम की किताब भी पढ़े होंगे और सर्वेलेंस वर्वेलेंस और डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे आज हम पॉजिटिव देखते हैं इसका फिर हम थोड़े दिनों बाद एक दो बार इसका नेगेटिव भी देखेंगे अभी तो सिर्फ और सिर्फ कूल साइंटिफिक फ्यूचरिस्टिक मूवी की तरह सिस्टम है कि आप एयरपोर्ट जाएंगे और आपका फेशियल रिकोगनाइजेशन किया जाएगा मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट फेशियली रेकोग्इज होगा एंड यू कैन एक्चुअली एंटर द एयरपोर्ट डिजी यात्रा डिजिटल आपने कुछ भी ऑफलाइन यूज नहीं किया ना हो आपको ना

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु दिल्ली एयरपोर्ट बड़े सारे से एयरपोर्ट्स हैं इनकी एक फाउंडेशन है जिसको डीजी यात्रा फाउंडेशन कहते हैं दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कि जो ट्रैवल है वो और भी ज्यादा सिंपल हो जाए बेसिकली बार बार ये ऑफलाइन ये बोर्डिंग पास प्रिंट करना चेक इन करना टिकटें दिखाना एंट्री करते वक्त ये सारी प्रॉब्लम ना हो रादर यू जस्ट एंटर एंड योर फेस वुड बी स्कैन पैसेंजर क्या करेंगे पैसेंजर्स फेशियल फीचर वुड बी लिंक्ड टू द बोर्डिंग पास एंड दे कैन पास थ्रू द चेक पॉइंट्स थ्रू पेपरलेस एंड द कॉन्टेक्ट प्रोसेसिंग आप जब टिकट खरीदेंगे बोर्डिंग पास खरीदेंगे उसके बाद आपका जो फेशियल फीचर है वो उसके बोर्डिंग पास के साथ मैच हो जाएगा द मोमेंट यू विल एंटर द एयरपोर्ट दिल बी स्कैनर्स जो कि आपको स्कैन करेंगे आपके चेहरे को एंड यू आर डन इस सर्विस को अरेंज अगर आप अवेल करना चाहते हो और दिल्ली एयरपोर्ट पे है ये देख लीजिएगा पैसेंजर हैज टू रजिस्टर देयर डिटेल्स ऑन डीजी यात्रा ऐप एक ऐप आती है आधार बेस्ड वैलिडेशन होगी और सेल्फ इमेज कैप्चर तो आधार बेस पे आप आधार नंबर एंटर करेंगे पूरी आधार आधार के पास पहले ही हमारा फेस डेटा एग्जिस्ट करता है और वहां पर भी बेसिकली उस ऐप में भी आपकी फोटो खींची जाएगी तो आपके फेशियल फीचर्स वो दोबारा से कैप्चर कर लेगा यार इसको बताते बताते मैं पहले तो बहुत खुश था परंतु ये तो सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट ले लेगी और फिर गवर्नमेंट से बेसिकली अपने जो फेशियल रिकोग्जेशन सॉफ्टवेयर से इनको चेक भी कर लेगी बिग ब्रदर स्टेट इज कमिंग माय फ्रेंड बिग ब्रदर स्टेट इज कमिंग फॉर नाउ डीजी यात्रा के बारे में याद करते हैं बिग ब्रदर स्टेट आएगी उसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं परंतु अभी प्रिलिम्स पा हमारे पास आने वाला है ठीक है तो हम आइडियोलॉजिकल इश्यूज बाद में डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट के ई गेट पर बार बोर्डिंग पास बी स्कैंड द फेशियल रिकोगनाइजेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड विल चेक दैसेंजर्स आइडेंटिटी एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया हूँ इस न्यूज से तो मैं इसके बारे में डिस्कस ज्यादा करना नहीं चाहता हूँ सीधी सीधी सी बात है डिजी यात्रा नाम का एक प्लान स्टार्ट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ने एविएशन मिनिस्ट्री ने और देर आर सेलेक्ट एयरपोर्ट सात एयरपोर्ट है जहाँ पे आप पेपरलेस और कॉन्टेक्ट एंट्री कर सकते हैं डिजी यात्रा ऐप के द्वारा फेशियल रिकोगनाइजेशन से एंट्री है थोड़ा सा मैं साहस टूट गया मेरी इन सारी चीज़ों इतनी ज्यादा स्कैनिंग क्यों वट इज द प्रॉब्लम विद ऑफलाइन पीपल आई डोंट नो हॉर्नबिल फेस्टिवल ओके नाउ आई एम हैप्पी समथिंग वाइस है ट्वेंटी थर्ड एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल एट नागा हेरिटेज विलेज इन दी कल हमने एक संगाई फेस्टिवल किया था मणिपुर का तो मणिपुर का संगाई फेस्टिवल बहुत ही पॉपुलर है क्यों क्योंकि संगाई हिरण के ऊपर कल लिखा था, था. संघाई हिरण के ऊपर पॉपुलर है आज हम कर रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की जो गवर्नमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है जो नागालैंड के क्या नाम है ट्रेडिशन है और उनकी जो कल्चरल कल्चरल हेरिटेज है उसको शोकेस करने के लिए बड़ा सा फेस्टिवल है एकदम रिच कल्चरल हेरिटेज को शो करने के लिए जो कि वहां के एक बड़े अच्छे से पक्षी हॉर्नबिल के नाम पे रखा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल ट्रिब्यूट टू ग्रेट हॉर्नबिल विच इज एन एडमायर्ड एंड रेवर्ड बर्ड बाई पीपल फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ अलर्टनेस एंड द्रेंजोर इट्स अबाउट द हेरिटेज एंड लुक एट दैट बर्ड But this is a beautiful bird this is amazing i'm not going to teach you anything else i'm just going to show you the hornbill how is this not the national bird of india have you seen how amazing beautiful this is i saw it and i was like i need to see more of it and hence instead of two i actually got three pictures I have not seen a beauty. I am a fan of hornbill from here onwards because how did I miss it I really can't know. But look at the beauty of this amazing amazing bird. It's a male great hornbill. Ye National Park Look you, you want to see because this is this, this is, look at this bird. एम एक्चुअली जेलेस ऑफ राइट नाफ आसमण नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है एक्चुअली में वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है मोर ओरलेस बेसिकली इट इज नॉट फाउंड इन नॉर्थ इंडिया जस्ट अमेजिंग आई एम फैसिनेटेड बाई इट एब्सोल्यूटली एंड आई स्टिल डिट गेट ओवर विद इट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी इट वेरी क्लोजली फ्रूट्स खाता है छोटे मोटे इंसेक्ट भी खा जाता है छोटे मोटे एनिमल भी खा जाता है कल हम बेसिकली भालू बिल्ले के बारे में पढ़ रहे थे एंड आई लव भालू बिल्ला आई देयर इज नो डाउट अबाउट इट भालू बिल्ला इतना प्यारा पेट था मुझे बहुत ही अच्छा लगा था मुझे बहुत ही पसंद आया था बिंटू रंग के बारे में बात करें बिंटू रंग के बारे में बट दिस वन इज इट वाज क्यूट दिस इज ब्यूटीफुल मैंने आगे बेसिकली कंटेंट ही ऐड नहीं किया आप लोगों के लिए जस्ट बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल आई थिंक इसी को देखते हैं और इसको निहारते आई एम स्टेलिंग यू दिस इज द पेयर ऑफ द रूफस नेक्ड हॉर्नबिल्स इन दी महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल आसाम में भी है वेस्ट बंगाल में भी है ठीक है और जहां पे फेस्टिवल हो रहा है वहां तो ऑब्वियसली है नो डाउट्स अबाउट इट आई आई डोंट इवन नो मेल इज मोर ब्यूटिफुल एंड द फीमेल इज मतलब दे आर जस्ट अमेजिंग आई एम गोना फाइंड इट आई एम गोनाथ इंडिया जस्ट टू चेक इट आउट आई कॉन्ट गेट अट विद इट एक्चुअली में आपको फोटो अलग अलग लग रही होगी क्योंकि हमारे देश में हॉर्नबिल की नौ नौ स्पीशीज है ठीक है दे लुक स्लाइटली डिफरेंट ओके आर नाइन स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल पूरे विश्व में बासठ हैं हमारे देश में ही नौ हॉर्नबिल्स के मैं अपने अपने देश की फोटोज दिखा रहा हूं क्योंकि आई मैंने पहले देखी हॉर्नबिल फेस्टिवल सो आई वाज लाइक हाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड की कल्चर एंड स्टफ दिखाने के लिए बट देन आई सडनली सॉ द हॉर्नबिल इट सेल्फ दिस इज द ब्यूटी हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बता देता हूं मैं ठीक है इफ आर डन विद पूरे विश्व में बासठ हॉर्नबिल की स्पीशीज हैं और इंडिया के अंदर कम से कम नौ पाई जाती हैं अलग अलग नाम है इनके बेसिकली इनके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे नाम है द ग्रेट हॉर्नबिल मालाबार पाइड हॉर्नबिल रूफस नेक्ड हॉर्नबिल अगेन आपको स्पेसिफिकली सारी की सारी स्पीशीज कहां पाई जाती है वो तो पाना वो तो ढूंढना मुश्किल है बट जनरली अंडरस्टैंड करेंगे कि हम हॉर्नबिल देश में कौन से कौन से हिस से हिस्से में पाए जाते हैं थोड़े से अब देखो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में अभी मैंने आपको वेस्ट बंगाल में दिखाया था आसाम में दिखाया था ठीक है लेकिन इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश में नामधापा नेशनल पार्क है वहां पर सबसे ज्यादा हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ हॉर्नबिल्स है पूरे के पूरे एशिया में लोकेशन दिखा देता हूं देखो ये अरुणाचल प्रदेश देखें सो so ये बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर पर नामधापा नेशनल पार्क है दिस इज द्लेस प्लेस वेयर द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ द हॉर्नबिल्स एग्जिस्ट फिर से देखोगे इट इज तुम्हारा भी मन कर रहा है ना इट इज लुक राइट इट इज यू हैज इट लाइक इट दूसरा इंपॉर्टेंट वाला वेस्टर्न घाट्स अलोन आर होम टू फोर ऑफ द नाइन हॉर्नबिल स्पीशीज इंडिया में अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो एक तो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट और एक वेस्टर्न ये स्पेसिफिकली यहां पर हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं ठीक है ये जो जो पक्षी वाले हैं हैं स्पेसिफिकली हॉर्नबिल्स इनको फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट कहते टाइटल हो हो तो ऐसा हो, वरना रहने दो मतलब हमारे भालू बिल्ले के लिए कोट क्या था उसका नाम ही बियर कैट है बिंटू रंग का नाम क्या रखा बियर कैट क्यों क्योंकि वो भालू बिल्ले जैसा दिखता है थोड़ा सा तो उसके साथ इनजस्टिस हुआ बट इनके लिए स्वैग देखो दे आर द फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट कैन यू बिलीव इट हाउ कूल दैट टाइटल इज इन दिन कम्युनिटी देर ओमलीसली बट देव असूट देर नॉट टू डिस्पर्स एंड एड इन द रीजनरे ट्रॉपिकल ट्री वो तो सारे के सारे बर्ड्स करते हैं सीड्स uh, 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 को डिस्पर्स करते रहते हैं ये लोग ठीक है तोड़ते फोड़ते हैं मतलब कुछ खा जाते हैं कुछ गिर जाते हैं कुछ एक्सक्रीट कर देते हैं स्पेस सो या बट हॉर्नबिल फेस्टिवल तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किसके नाम पे है हॉर्नबिल के नाम पे है अगेन दैट इज बेसिकली डन अरुणाचल प्रदेश के नामधापा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा हॉर्नबिल पाए जाते हैं ये बेसिकली आप लोकेशन वाइज थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे और अगर हम देखें पूरे के पूरे हॉर्नबिल मैप ऑफ इंडियन सब इंडियन सब में हॉर्नबिल कहाँ पे मिलते हैं तो ये लोकेशन है नव देर आर सेवरल स्पीशीज सी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल नाम नहीं दिख रहा होगा मैं बोल के पढ़ाता तो. हूँ ग्रेट हॉर्नबिल मालाबार ग्रे हॉर्नबिल मालाबार पाइड हॉर्नबिल ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल रीथ हॉर्नबिल ब्राउन हॉर्नबिल अलग अलग स्पीशीज है बट देखो ये मालावार ग्रे हॉर्नबिल एक्चुअली uh, में वी एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ मैनर सी एक तो ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है जहां पे हॉर्नबिल मिल रहे हैं ठीक है दिस इज प्राइमरली एरिया जहां पर हॉर्नबिल मिल रहे हैं ब्राउन रीथ यू कैन गेट दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम तो आप एक बार चेक आउट जरूर कर लीजिएगा ठीक है ये टेलीग्राम में मिल जाएगा दिस मैप इज ऑब्वियसली ऑफ नो यूज टू अस सो वील ट्राई टू फिगर आउट इन दिस मैनर ठीक है ये वाला मैप थोड़ा सा ज्यादा करेगा ग्रेट हॉर्नबिल एक तो यहां मिल रहा है और वेस्टर्न घाट्स पर मिल रहा है रीड थॉर्नबिल सिर्फ यहां पर मिलता है मालाबार अगेन यहां पर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल बेसिकली ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट विजिबल है रियरली वो वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं आया अगेन नो नीड टू डू दिस बिकॉज आई डोंट थिंक सो देर गोन दिस डीप तो जनरली आइडिया कर सकते हैं कि ये दीज आर द कांड ऑफ द लोकेशन वंस

एक्चुअली uh, ब्रेड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है बस ये समझ लिए ये जो ऐसा आपने कभी पिक्चर में मूवीज में कहीं पर ये ब्रेड देखा है ये फ्रेंच की स्पेशलिटी है फ्रांस की स्पेशलिटी है इस ब्रेड को फ्रांस में फ्रेंच में कहा जाता है बेगवेट बगैट बगैट कहते हैं इसको अब ये बगैट लॉन्ग एंड थिन लोफ मेड ऑफ फ्लोर वाटर साल्ट इज कंज्यूम्ड एज ए स्टेपल इन फ्रांस जो फ्रांसीसी लोग हैं वो इस ब्रेड को जमा के खाते हैं और उनकी बेसिकली कल्चर का पार्ट है ये मतलब कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए कल्चर का पार्ट है इट्स ओके आई थिंक सिर्फ एक ही फैक्ट आज के लिए याद रखने की जरूरत है कि फ्रांस का बेगेट एक प्रकार की जो ब्रेड है जो कि फ्रांस के लिए फ्रांस में जानी जाती है पॉपुलर है उसको बेसिकली इंटेंजिबल एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट यह है कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती क्या है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कि देखो ताजमहल ना टेंजिबल है so, अगर मैं आपको बताऊं ताजमहल कहां पे है तो यू कैन गो यू कैन फिजिकली सी इट राइट इट्स अ टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लेकिन रामलीला जो है उसको कैसे बताओगे किसी को कि रामलीला कहाँ पे है रामलीला देख ली लेकिन अगर आप दूसरी रामलीला देखोगे उसमें डिफरेंसेस मिलेंगे तीसरी रामलीला देखोगे उसमें डिफरेंसेस मिलेंगे जो डांस होते हैं गरबा हो गया जो ओरल ट्रेडिशंस होते हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं जो फेस्टिवल्स होते हैं जो नॉलेज होती है जो प्रैक्टिस होती है नेचर और यूनिवर्स से संबंधित जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट होते हैं दे आर इनटेंजिबल इनटेंजिबल का मतलब जिनको मतलब आप एग्जेक्टली हाथ में नहीं पकड़ सकते हो जिनका कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होता है दे जस्ट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू जैसे फॉर एग्जाम्पल लव इज इनटेंजिबल बट मैं मुक्का अगर मैं मुंह पे मुक्का मारूंगा तो वो बहुत ही टेंजिबल ही लगेगा राइट right? इनटेंजिबल उसको form में नहीं देख सकते हैं so इसी तरीके से जो है वो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बनाती है पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग सोसाइटीज में ऐसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं डांस वाली ओरल फॉर्मेशन वाली तो यूनेस्को करती है ऐसी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड वट द डू इज दैट कि वो अलग अलग देशों की टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लिस्ट करती है ताकि वो बेसिकली बेसिकली अवेयरनेस बढ़ सके और उसको धीरे धीरे प्रोटेक्ट किया जाए इंडिया की तरफ से ऐसी चौदह 14 चीजें 14 चीजें हैं जिनको उन्होंने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला हुआ है आर्ट एंड कल्चर के दौरान आपको ये चौदह की चौदह चीजें पढ़ लेनी चाहिए याद कर लेनी चाहिए प्री में तो आएगा ही मेंस में भी पूछने की संभावना पूरी की पूरी है चौदह बता तो देखो सबसे पहले ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग इससे आपको धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि इनटेंजिबल का मतलब क्या है वैदिक चैंटिंग ठीक है रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण 2008 में ऐड कर दी गई थी कुटीयट्टम एक संस्कृत थिएटर होता है रमन रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालय याद करना पड़ेगा कौन कौन सा है मुदीयत्तू डांस ड्रामा ऑफ केरला कालबेलिया फोक सॉन्ग्स और डांस ऑफ राजस्थान अब अपनी स्टेट वाले शायद हो सकता है बड़ी आसानी से पहचान ले छाऊ डांस बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख ओम मणि पद में होम करते हैं ना वो संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग डांसिंग इन द मणिपुर ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी याद करना पड़ेगा ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग इन पंजाब योग योग भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है लिस्ट का है है यूनेस्को ने ऐड कर रखा है। नवरोज कुंभ मेला एंड कोलकाता दुर्गा पूजा वॉज ऑल्सो एडेड लास्ट ईयर इस साल इंडिया ने गरबा एक डांस फॉर्म जो है उसको भेजा था इंडिया की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में फिर दोबारा से एक बार देखते हैं देखिए क्या होता है छाओ छाओ एक प्रकार का डांस होता है ठीक है अलग अलग प्रकार का डांस है ईस्टर्न इंडिया का ये हमारे देश की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसके बाद कालबेलिया राजस्थान में एक प्रकार का फोक डांस होता है इसको ये करना पड़ेगा ये आर्ट एंड कल्चर में से करना पड़ेगा अभी मैं बस सिर्फ आपको याद दिला सकता हूँ क्या नाम है मुदियत्तु ये थिएटर है बे, बेसिकली केरला का डिफिकल्ट है आर्ट एंड कल्चर थोड़ी सी मतलब कि याद करने में मुश्किल आएगी बट वील हैव टू मतलब जस्ट रिमेंबर द नेम्स कुछ देखो रामलीला तो याद हो गया योग याद हो गया आई थिंक जो ईजियर वन है उसको तो अपनी अपनी स्टेट का याद कर सकते हो कोई उसमें भी कोई समस्या नहीं है लाइक वेस्ट बंगाल से दुर्गा पूजा हमारी क्या नाम है है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उसको आसानी से याद कर लोगे वैदिक चैंटिंग ओरल ट्रेडिशन ऑफ रिसाइटेशन ऑफ द वेदाज कुम कुटियतम संस्कृत थिएटर केरला में परफॉर्म किया जाता है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख तो वैदिक चैंटिंग है बुद्धिस्ट चैंटिंग है दोनों की दोनों हो रखी है नवरोज पारसीज के द्वारा मनाए जाने वाला न्यू ईयर आई थिंक दिस इज ऑल्सो ईजियर इसको भी करी सकते हो अब तो कोई खास डिफिकल्टी नहीं है सो दैट इज इट माई फ्रेंड आज के लिए इतना ही था वेरी स्पेसिफिकली एंड इफ यू नीड द पी डी एफ यू नो फेट अबाउटी हॉर्न बिल्स दीडीएफ एंड द इंस्टाग्राम लुके दिस इज अफुलर्ल्ड आई नो यू फोगेट अबाउट मैं बोला था हॉर्न के बारे में लुकेटेड यू सीन मोर वो माई गॉड आई कैन कंप्लीटली आइडेंटिफाई की क्यों इस फेस्टिवल का नाम होनबिल पर रखा गया हुआ है ड्यू टू द्रेंज ऑफ दिस बर्ड मेक सेंस टोटली टू मी वन हंड्रेड परसेंट आई कैन सीट फ्रॉम माई आईज दैट हाउ ऑसम दिस बर्ड वुड लुक इन पर्सन और इन बर्ड व्यर गो ना डू इट फॉर वाइल्ड सो स्टेयर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू लाइक दिस बर्ड और नॉट बिकॉज आई लाइक इट मोर देन प्रोबेबली आई शुड I got all the pictures of this bird, all of them are beautiful, the colours are amazing. This is go this is the best picture of the hornbill. I mean, there are different species, okay? It's difficult to identify which species are which. Uh, अलग अलग प्रकार के क्या नाम है मालाबार पाइड थोड़ा सा डिफरेंस होता है है इनकी में इसकी जो this, this thing, this thing इसकी जो जो यूएसपी यूएसपी दिस 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 थिंग थिंग अबाउट द द बीक एंड लॉन्ग बीक्स इज़ इज़ ऑफ़ बर्ड माला बार पाइड हॉर्न बिल थोड़ा साइटली एंग्री But that is a very good hornbill, to be honest. no but it's, it is it is absolutely good. amazing this looks like a painting but this is real this is this is actually one hornbill this is this is it is beautiful, right? look at it. Wow. Awesome. Whoa. Okay, there is an the ugly hornbill also. All right. I, I. Wow. Okay, not all the hornbills are beautiful. Okay. I was not expecting this. What happened to you? Do you see your brothers? Finally. Okay, this one is majestic. We'll just have a look at it because there are ugly. I, I didn't know there were ugly hornbills also. Oh, there were. There are. Sorry. But this one is such a cool picture of a hornbill, right? I'll see you tomorrow. Have a nice day.